विदिशा जिले के कुरवई पठारी में इंटरनेशनल लायंस क्लब कुरवई स्टेट द्वारा नगर में पौधारोपण सप्ताह का आयोजन किया गया। डॉक्टर मनीषा जैन, वरिष्ठ अभिवक्ता ओम प्रकाश आर्य, प्रेस क्लब अध्यक्ष अन्नू काशिप खान के मुख्य अतिथि और सामाजिक संस्था सुप्रीम एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक मुमताज अहमद खान की अध्यक्षता में सुप्रीम खेल परिसर में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन सादिया खान और अतिथियों द्वारा वृक्षों का जलवायु, पर्यावरण, हरियाली, जल स्तर, मौसम आदि का मनुष्य प्रकृति पर प्रभाव और दुष्प्रभाव, इसकी उपयोगिता आदि विषयों पर व्याख्यान किया गया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए, इस बारे में आप इस संबंध में कुछ कहेंगे? जी, मैं बहुत आभारी हूँ लायंस क्लब का, सुप्रीम कॉन्वेंट स्कूल का और यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र जो संचालित किया जा रहा है उसका, और बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने अमूल्य समय में, जिस समय COVID-19 है जो कि जीवन की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी और वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखकर उन्होंने जीवनदायी ऑक्सीजन जो कि हमें इससे वृक्षों से प्राप्त होती है उसको, उसका मान और सम्मान रखते हुए, पर्यावरण का मान और सम्मान रखते हुए इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी लायंस क्लब कुरवई स्टेट एक हमारी इंटरनेशनल लायंस क्लब की भी एक संस्था है। हमारे पूरा इंटरनेशनल लायंस क्लब और मध्य प्रदेश लायंस क्लब ये एक वृक्षारोपण सप्ताह मना रहा है, उसमें से हमको भी जो है ना इनकी एक टीम में हमें भी एक मौका मिला है, तो आज जो है ना हमारे लायंस क्लब कुरवई स्टेट की तरफ से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है। ये हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत अनमोल क्षण हैं। वृक्षारोपण से वृक्ष होते हैं और ये हमको जो है ना हमारे जीवनदायी, हमको कार्बन डाइऑक्साइड से हमको ऑक्सीजन देते हैं। हम सब लोगों का यही कर्तव्य है कि अधिक से अधिक उसमें हम वृक्षारोपण करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।